बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान मंसूर और आप देख रहे हैं कुकिंग विद इमरान मंसूर, जहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ दी जाती हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव की आसान रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको बना लेंगे। वीडियो आपने एंड तक देखनी है बगैर स्किप किए हुए। चले स्टार्ट करते हैं। 100 ग्राम सब्ज़ मिर्च है हमारे पास, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। 250 ग्राम शिमला मिर्च है हमारे पास, 500 ग्राम गाजरें हैं हमारे पास, ये 250 से 300 ग्राम छोटा फूल बंद गोभी का हमारे पास, ये काट लिया हमने इस तरह बारीक बारीक, और ये 250 ग्राम मटर है मेरे पास। आप चाहें तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, मटरों को 500 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा 1.5 टेबल स्पून मेरे पास वाइट मिर्च है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का कुटा हुआ, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च है और 1.5 टेबल स्पून नमक है मेरे पास। चावल लिए मैंने कच्ची वनस्पति के 1.5 किलो, 1.5 किलो चावल बना रहा हूँ कच्ची वनस्पति के, जो कि आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिए हैं। 1 प्याली ऑयल डलेगा इसमें। एक प्याली ऑयल शामिल करेंगे इसमें। दो टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको आपने भून लेना कलर चेंज होने तक। ये हमारे लहसुन अदरक का कलर तब्दील हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे 500 ग्राम गाजरें। एक बंद गोभी का छोटा फूल जो हमने काट लिया था वो शामिल करेंगे। और ये मटर शामिल करेंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट या 5 मिनट इसको भून लेंगे अच्छी तरह। ये गाजरें भी अपना थोड़ा पानी छोड़ देंगे और मटर भी थोड़े नरम हो जाएंगे, बंद गोभी भी अपना थोड़ा पानी छोड़ देगी। इस मौके पे आगे अब हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास 1.5 टेबल स्पून नमक है, 1.5 किलो चावल है और 1.5 टेबल स्पून नमक है, यानी कि 1 किलो चावल में 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देना आपने। ये हम यखनी के टाइम पर फिर दोबारा चेक करेंगे, अगर नमक कम हो तो फिर और डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून वाइट मिर्च शामिल करनी है आपने, और ये 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च शामिल कर देनी है आपने। को अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। ये अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी लिया है मैंने 2.25 लीटर, 1.5 किलो चावलों में 2.25 लीटर पानी आपने शामिल कर देना इसमें। सवा दो लीटर पानी हमने शामिल कर दिया इसमें। पहले हमने शिमला मिर्च और सब्ज मिर्च नहीं डाली थी इसमें, वो अब हम शामिल अब शामिल करेंगे इसमें। शिमला मिर्च का टेस्ट जो है वो ऑयल के अंदर नहीं आता, पानी में आता, तब हम शामिल करेंगे इसमें। ये शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और ये सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे। ये अब सब्ज़ मिर्च हम शामिल कर देंगे इसमें। अरे 2 अदद चिकन कनोर क्यूब्स है मेरे पास, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। आप 2 से 3 या 4 भी शामिल कर सकते हैं, मेरे पास 2 है, मैं 2 में शामिल कर दूंगा इसमें। इसका अब हम फ्लेम हाई रखेंगे,
ताकि इसमें उबाल आ जाए, उबाल आ जाए फिर हम चावल चावल शामिल करेंगे इसमें। पानी में उबाल आ गया हमारा, अब हम इसमें 1.5 किलो चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद आपने थोड़ा मिक्स कर लेना इसको, ताकि सब्ज़ी और चावल मिक्स हो जाए। अब हम इसको ढक देंगे और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। देखिए पानी खुश्क हो गया इसका, ये हल्के हल्के से बबल बन रहे हैं इसमें। इस मौके पे आगे हमने इसको दम पर लगा देना, 20 से 25 मिनट का दम लगाना हमने इसको। पच्चीस मिनट के बाद फिर मिलते हैं आपसे। 25 मिनट हो गए पूरे, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब हम इसका दम खोलेंगे। ये देखो जी माशाल्लाह, जी माशाल्लाह, लंबा लंबा चावल है, खिला खिला चावल है, ये ऐसे पक्के हुए सारे नीचे से भी। ये चावल हमारे बिल्कुल गल गए, ये हमारे चावल तैयार है। अब हम इसको, अब आप इसको हरी मिर्चों के रायते के साथ और टमाटर की चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हौसला अफज़ाई हो सके। नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।